बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आइक्लोन के लिए एक विलेज की लोकेशन फिर से बनाने लगे हैं। लेकिन पहले जो हमने लोकेशन बनाई थी वो बड़े साइज में थी, लेकिन ये सिर्फ जस्ट छोटा एक घर, घर का सैन और मतलब घर के अंदरूनी साइड जो वो हम बनाने लगे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगा घर के अंदर की, पहले मैंने बाहर की सिखाई थी, अब मैं घर के अंदर की यानी कमरे के अंदर की सिखाऊंगा। तो सबसे पहले उसे बना लेते हैं। सबसे पहले घर को बनाने के लिए घर की जो वॉल होती है वो बनाते हैं। इतनी ये हमारे लिए काफी है। जैसे यहां से आप यहां तक उसे थोड़ा सा यहां से इसके बीच में एक और डाल, दो हो गए आपके ये वर्टेक्स। अच्छा, यहां से आपने अब दूसरा काम आपका ये है, इस जगह पे आपने एडिट मैश का मॉडिफायर लगाना और इस दीवार को थोड़ा सा ऐसे गुलाई में ले जाना। गांव की दीवारें आपको पता कि इतनी स्ट्रेट नहीं होती, गोल गोल ही होती हैं। अच्छा, यहां से अब आप चेक कर लें कि इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो जी, अब इसकी आप कॉपियां बनाएं। कॉपी किस तरीके के साथ बनानी है वो आपको पता ही है। शिफ्ट का बटन आपने प्रेस रखना। एक और दो कॉपियां हम फिलहाल इसकी बनाएंगे ये, और इन्हें रोटेट कर लेंगे ऐसे, यहां से इसे ऐसे रोटेट, इसे ला के आपने इस दीवार के साथ टच कर देना। ऐसे ही आप इसे भी रोटेट करें। और इसे भी ला के इस जगह पे आप फिट कर दें। नहीं जी, ये आपके पास दायां बायां इसका जो भी है वो बन चुका है। ये घर की वो दीवार है जो बाहरी दीवार है। अब हम इसके आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे अब हम क्या काम करेंगे कि इस दीवार को हम आगे ले आते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस, इस जगह पे ओके किया। ओके करने के बाद इस दीवार को आप यहां तक ठीक है। जो बाहर का दरवाजा हमने लगाना, नहीं इतना बड़ा नहीं दरवाजा लगाना, गेट नहीं, यहां से इतना बस, ये ठीक हो गया जी हमारे पास। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि हम इसका बनाएंगे दूसरा दरवाजा। और दरवाजे को हम किस तरीके के साथ बनाएंगे? सबसे पहले दरवाजे को यहां से आपने इसे करना है बड़ा। बड़ा करने के बाद यहां पे आपने इसके अंदरली साइड, ये वाली अंदर वाली जो साइड है ये वाली, ये इससे आपने ऊपर की तरफ इसे यहां तक ले जाएं आप। ये इसका फ्रंट है और ये इसका लेफ्ट साइड है। यहां से इसके ये वाले जो सेगमेंट्स हैं इन्हें आप खत्म करके ये एक सेगमेंट हम ये वाला, दो सेगमेंट्स हमारे पास ये ओके हो गया। यहां से इसकी जो थोड़ी सी विड्थ है उसे हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अब हम यहां से
एडिट नहीं, इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर एडिट मैश, किधर गया ये एडिट मैश, इसे उठाएं ऊपर की तरफ इधर और इसे नीचे की तरफ इधर, ये हो गया जी। अब आपने जो नेक्स्ट काम है आपका वो ये है कि आप इसे और इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक्सक्रूड करेंगे वहीं तक जहाँ तक हमें यहाँ और इसके बाद एक और यहाँ, ओके हो गया जी। ओके होने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे दोबारा इस जगह पे, ये और यहां से निचली साइड पे, ये आपके दरवाजे की वो जैसे हम कहते हैं सादा लफ्ज में चुगाट, ये चुगाट सी आपकी तैयार हो गई है। अच्छा यहां से अब आपका ये फ्रंट है, फ्रंट को आप यहां से ये चीज यहां से आप देख लें कि आपकी चुगाट अगर ज्यादा चौड़ी है तो आप उसे सेट भी कर सकते हैं, ये देखें कोई इतना इशू वाली बात नहीं। चले जी, इसके बाद अब जब हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने इसके दो दरवाजे बना लेने हैं, दो पट वाले दरवाजे जाहिर गांव के इसे ऐसे ही होते हैं, यहां से बन गया एक ये आपका और इसे थोड़ा सा इस तरीके के साथ लाके इधर सेट करना, ये इस दरवाजे को हमेशा इस जगह पे और इसके ये जो वर्टेक्स है सेगमेंट सॉरी इन्हें आप थोड़ा कम कर ले, ये हो गया आपके पास सेटिंग में आ गई ये चीज। ये अब आपका नेक्स्ट काम है कि आप इसी को ही छोटा कर लें, सबसे बेहतर ये चीज होती है कि जो चीज आपके पास साइज में पहले से मौजूद होती है उसे कोई आप कॉपी करके यूज करें, तो इसे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसके बाद इसको पहले इसकी लंबाई भी बना लेते हैं, इस वाली लंबाई को ये इस वाली लंबाई को हम यहां से यहां रख के और इसकी हाइट हाइट छोटी कर ली, हाइट छोटी करके ये आपका हो गया यहाँ पे ओके। इसे फिर भी एहतियातन जो है थोड़ा सा हम और पतला कर लेते हैं ये चीज। अच्छा उसके बाद इसके ऊपर हम आ जाते हैं एडिट मैश नीचे एंड ऊपर, ठीक हो गया जी नीचे और ऊपर, ये आपके पास ये चीज आ गई है। अब इसकी एक और कॉपी बनाएं, कॉपी बनाने के बाद इसे आप रोटेट करें, ये कैसा रोटेट हो गया इस तरफ को रोटेट करें, रोटेट करके इधर गया यहां से
ये हो गया आपके पास, उसके बाद आप इसे ऐसे ही सेंटर में ले आए ऐसे करके। ओके ओके करने के बाद आप इसको दोबारा सेटिंग ले जाए। यहाँ पे रख के इसे ऐसे, ये हो गया आपकी साइड, और इसी को आप यहाँ से एक मिरर कर लें। ओके, और यहाँ से आप इसे यहाँ से जोड़ लें इसके साथ। इसी को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके ओके। यहाँ तक ठीक है, और उसके बाद ये वाला यहाँ से इसे भी ला के यहाँ पे आप जोड़ दें, और इसको इस तरफ कॉपी कर लें। यहाँ से इसे यहाँ से बाहर निकालें, ये नजर तो आए कम से कम। हमने बताया क्या, ये हमारा जो डिजाइन हमने यहाँ से बनाया था, ये आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से अब आपने जो आपका नेक्स्ट काम है वो ये है कि आप सबसे पहले इन्हें कलर दे लें जो भी आपने देना था, कि बाद में कोई इशू ना हो, काम करीब करीब रहे। यहाँ से आप कोई भी ऐसा कलर ओपन करें, ओपन करने के बाद सबसे पहले इन चीज़ों को कलर दें आप, ये जो आपकी दीवारें हैं। दीवारों के बाद इधर से आप आ जाएं लकड़ी की तरफ, और यहाँ से मेरे पास लकड़ी कुछ डिजाइन, ये भी ठीक है, ये दे लेते हैं इस चीज को। बाद में इस पे यूवी लगा के सेट कर लेंगे। ये देखें जी, ये आपका दरवाज़ा बन गया। अब आप एक और काम करें छोटा सा, वो ये है कि यहाँ पे एक स्फीयर बनाए। अपने स्फीयर से भी पहले काम करें,
यहाँ से दूसरा थोड़ा सा फिर यहाँ पे पहले बना देते हैं, काफी है इतनी से, और इसे ऐसे प्रेस करें। चलो ये अब इसी हिसाब से आपने इसे सेट करना। यहाँ दो इसे नीचे, इसे ज्यादा वाला नीचे, ये शिफ्ट बटन प्रेस, और इस साइड पे, और ओके दें जी, ये आपका मसला यहाँ पे हल हो चुका है। इसे आप कर लें, एक ग्रुप बना लें इसका, आपके पास ये एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद आप इसे इसके अंदर यहाँ पे सेट करते हैं, और सेट करने के बाद ऐसे ही इसकी एक और कॉपी बना लें इस साइड पे, ये ओके। जी आपका दरवाजा कंप्लीट हो चुका है, ये देख, ये आप घर का दरवाजा हो गया कंप्लीट। इसे और इसे भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर यूवी लगा के देख लेते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स आता। यूवी मैप, देखो पीछे वालों को हो गया थोड़ा सा क्लोज, ऊपर की तरफ ठीक है। अब इसके ऊपर भी यूवी बॉक्स ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास बन गया। इसके बाद आप घर के अंदर वाली साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे हम एक प्लेन बनाते हैं, ये हमारी है एक अदद प्लेन। प्लेन पे अब हमारी मर्जी है कि हम इसके ऊपर क्या, कौन सा कलर देते हैं और क्या रखते हैं इसके ऊपर। यहां से हम देख लेते हैं घर के अंदरूनी कौन सा कलर हमें कोई थोड़ा सा सूट करेगा। हम ये मट्टी वाला कलर देते हैं इसे, लेकिन पहले इसे यूवी करके इसे थोड़ा सा फिट करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे हम इस जगह से हम शुरू करते हैं। ये एक हमारा बॉक्स है,
सॉरी ये ज़्यादा ही बाहर चला गया है यहाँ से, घर के अंदर ली हमारी। हमने इसे उतना ही ऊंचा करना तो जितने घर के अंदर की चार दीवारी टाइप हमारा काम ठीक हो जाए। इसके ऊपर अप्लाई कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहा है? अच्छा सॉरी, बस इतना सा ठीक है जी। अच्छा ये हो गया हमारे पास अंदर, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी हम पीछे की तरफ हम इसे ले जाके, जगह कुछ ज्यादा कम हो रही है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। अब इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि सारे को जो हमने ये बनाया हुआ था ये वाला, इसे हम कर लेंगे हाइट सिलेक्शन। अब ये हमारे पास अकेला बच गया। अब हम इसके अंदर कुछ वर्टेक्स ऐड करने लगे। ये हमारे पास आ गए। अब हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसका एक दरवाजा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ऐसे। अच्छा उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट काम है, हम एडिट मैश यहां से यहां यहाँ और यहाँ इसी तरीके के साथ यहाँ ये हमने कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, आगे की तरफ इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया इस तरफ। इससे इसकी जो साइडें होंगी वो गोल हो जाएंगी। ये हो गया आपके पास, ये देखें इसकी साइड है हमारे पास गोल हो चुकी है। गोल होने के बाद इसे आप ऊपर से सेलेक्ट करें यहां से, और इसे नीचे की तरफ प्रेस करें ऐसे। ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहां पे आ जाएं इस तरफ, छत भी ऊपर की तरफ से ऐसे गुलाई में। वो कभी भी गांव के घर इतने स्मूथ नहीं होते, वो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े से होते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ इन चीजों को, अगर आपको समय लग जाए। अच्छा जी ये हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट काम है हमारा वो ये है कि ये हमारा फ्रंट है ये वाला। अच्छा जी अब हमने एक बॉक्स हमारा बनेगा इस साइड पे ऐसे, इसके वर्टेक्स 0 0 करें। ये हमारा हो गया कमरा, कमरे का दरवाजा।
अब इन्हें बनाना कैसे है वो भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले इसे पूरी तरह सेट करें। ये हो गया, इसे भी अब छोटा छोटा करके इसकी खिड़कियों को भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके ओके करने के बाद इसे करना है छोटा। ये क्यों नहीं छोटा हो रहा, हाइट इसकी क्यों नहीं अप्लाई हो रही, अक्सर उल्टा काम करता। यहाँ और उसके साथ ही यहाँ, यह आपका हो गया। उसके बाद इस वाले को आप फिर उठाएं ऊपर। ओके, इसकी हाइट कम कम करके इसकी चौड़ाई ज्यादा कर दें, ऐसे चौड़ाई ज्यादा करके ऐसे नीचे ले आए। थोड़ी सी डिजाइनिंग बनाने के चक्रों में हम, उसके बाद इसे हम यहाँ पे ओके ओके करने के बाद इसकी चौड़ाई कम, यहाँ से इतनी कम कम हो गई। अब यहाँ से इसमें वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से एडिट मैश पे जाएंगे। मैश पे जाने के बाद इसे यहाँ से ऐसे ओके कर दिया। ये हमारा यहाँ पे ठीक है, वैसे सेट ये हो गया आपका एक। इसे आप यहाँ पे दो भी कर सकते हैं, ठीक है। खिड़कियों को थोड़ा थोड़ा इधर इधर करके इसे भी थोड़ा सा इधर, इसे भी इधर। ये वाला आपका ऊपर ऊपरी हिस्सा है, इसे आप इसे ऐसे रहने दें। यहाँ से आप इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसे आप थोड़ा सा छोटा और रोटेट करें ऐसे, बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। हाँ तो ये यहाँ पे इसे ऐसे फुल इसके साथ जोड़ के एक और इसकी कॉपी इस तरफ, ओके हो गया। ये ऊपर ठीक हो गया जी हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने पता क्या काम करना, इतनी डेकोरेशन हमने बना ली है, ये वाली जो चीज है और ये वाली एक दो और तीन बल्कि एक चार, ये इसे भी आप थोड़ा सा हमने बाहर निकाल लेना। इन चीजों को हमने जस्ट इसने टच करना, यहाँ पे हमें बस इनकी एक लकीर चाहिए ऐसे, इतना हम इसे डीपली करने का हमें कख फायदा नहीं होने वाला। चलो जी, चलो एक तो नहीं, लेकिन इस यहाँ पे आप करें एडिट मैश करके इसे अटैच करें, इसके साथ इसके साथ इसके इसके, यानी ये सारा एक हो चुका है।
यहाँ से अब आप जाएंगे स्टैंडर्ड टू, दूसरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट में ओरिएंट और स्टार्ट पिकिंग। लें जी, ये कुछ इस तरीके के साथ आपका डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि पहले इसे को कलर दे लें ताकि हमें कुछ नजर आए कि हमने बनाया क्या है। कलर देने के लिए हम इसे यहाँ पे कोई ऐसा वैसा रंग देख लेते हैं जो इसके साथ कदरे मैच करता हो। ये भी ठीक है। ओपन करते हैं, अप्लाई। ये देखें जी, हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हमने क्या काम करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट काम है वो ये है कि यहाँ पे एडिट मैश पे जाना है और ये चीज, ये और ये, इन तीनों कर देना डिलीट। लें जी, आपके घर की अंदर वाली साइड भी आपको नजर आ ही रही होगी, और यहाँ से इसे भी आप बेशक डिलीट करते हैं। ये देखें। अच्छा, अब ये क्या हमने बनाया था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिजाइन अपना बनाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, इस डिजाइन के लिए ये, बल्कि इतना। चलें जी, इसे ऊपर करें यहां से, यहां पे ये आ गया आपके पास। अच्छा, यहां से आपने इसे करना है रोटेट, रोटेट करके इसकी थोड़ी सी हाइट इस तरफ भी बढ़ा लें और इस तरफ भी बढ़ा ये आपके पास हो गया जी। यहां से आप इसके पिवट पॉइंट पर जाएंगे, इसको पिवट आप यहाँ पे इस कोने पर रखें और शिफ्ट का बटन प्रेस रखें ऐसे। ओके, और इसके साथ फाइनल में आपका ये वाला जो है ये फारिग हो चुका है बीच में। ये देखें जी, ये हमारा देसी सा पेंडू स्टाइल ये बन गया। इसके बाद हम ऐसे ही से एक दो तीन चार, इतने को हम कर लेंगे कॉपी। ओके, और रोटेट ऐसे, रोटेट करने के बाद ऐसे, ये और इसे इस लाइन के अंदर एडजस्ट करना है। ये हमारा इस तरीके के साथ डिजाइन ऊपर की तरफ।
क्या देखते हैं जी। यहाँ से ये वाली चीज ज्यादा नजर आ रही है, डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट काम है हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाएं और ये जो चीज है हमारे पास ये वाली, यहाँ पे हमें वो नजर आएगा। तो यहां से इसे थोड़ा सा चौड़ा कर ले। ओके हो गया जी। ओके होने के बाद अब अपने नेक्स्ट काम आपके पास ये है यहाँ पे आपने एक विंडो बनाई थी अपनी ये वाली, इसके ऊपर एडिट मैश लगाए और ये इसकी अंदर वाली साइड और इसे थोड़ा बारीक करें। वो इतना ज्यादा ये ठीक नहीं, कुछ ज्यादा ही पड़ा। ऐसे दरवाजा जो है आपका इसे भी बारीक करें और उसके बाद इसे भी आप बारीक करें। चलें जी, अब आपका नेक्स्ट काम है कि ये खिड़की आपके पास मौजूद है, एक दो तीन और चार, इसे आपने यहां से ऐसे इसके एजेस जो हैं वो आप देख लें, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये खिड़की की जो अंदर वाली है वो तो उसके जुगाड़ से वो हम यहाँ से बेबल थोड़ा सा अंदर की तरफ से कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से इस सारे को अब्स्ट्रैक्ट कर लें। और यहाँ पे आप इसे कोई सा भी कलर जो एक इसे देना वो बाकियों को भी आपने वो ही देना है। ये क्या इसका कलर शुरू करने वाला। चलिए जी, ये हो गया। ऐसे ही आपने अपनी खिड़की ये वाली जो है इसे भी आप ऐसे सेट कर लें। थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसके बाद आप इसे बाहर से भी ऐसे सिलेक्ट करते जैसे अंदर से। ये भी आपका जी मसला हल हो चुका है। इसके बाद आप इस चीज को कलर दे लें से और इसे कोशिश करके कम से कम कलर्स के साथ काम करें। ये आपका हो गया, ओके है। इसके बाद आप यहाँ पे
दूसरा करें इसे सिलेंडर। खिड़की ये आपकी, यहाँ पे आपने लगाने हैं सिलेंडर। और इन्हें थोड़ा सा रेडियस में बारीक कर लें और हाइट ज्यादा कर लें। शिफ्ट 5 तक देख लें, फिट होता ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है ये है, आप इसे ही ले लें बॉक्स को, ओके ओके करके इसे चौड़ा कर लें ऐसे, और इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें इधर से, और चलो ये इसके अंदर आ चुका। देख अब आप 1 2 3 4 इन्हें पहले आप कोई कलर दें ऐसा ब्लैक कलर टाइप, मेटल टाइप हो जाए। इसकी थोड़ी सी आप बढ़ा दें ग्लोनेस, ओके ये क्यों नहीं आ गया यार, तकलीफ है। ओके इधर सेट करना, ओके कर दिया जी। ओके करने के बाद अब आपका नेक्स्ट काम ये है कि अनहाइडाल, और ये वो आपका घर वापस आ चुका है जो आपने वहां से रिमूव किया था। देखिए जी ये कमरा आपको आपका नजर आ रहा होगा, कितनी मेहनत से हमने तैयार किया ये। यहाँ से हम इसे हाइट सिलेक्शन हमारी पहले वाली जो है, अब यहाँ पे जो चीज मुझे थोड़ी सी फॉल्ट में नजर आ रही है वो ये है कि इस कमरे की थोड़ी सी हाइट ज्यादा लग रही है मुझे, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी कम करने लगा हूँ इतनी सी। मुझे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था ऊंचा। अच्छा अब आपने इसे ऐसे कम कर रहे हैं कि इसे फिलहाल आप ऐसे ग्रुप बना के इसका रखें, अनहाइड ऑल करें, और यहां पे जो दरवाजा था ये वाला इसी को आपने कॉपी करना ये, और ला के उसमें लगा देना कमरे में। यहाँ पे ये आपका कमरा है, कमरा कमरे का दरवाजा जो है वो ज्यादा बड़ा लग रहा, वो बात नहीं आप इसे छोटा कर लें। ऐसे करके
जी देखें जी, आपके कमरे का दरवाजा भी यहाँ पे फिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अपने जो दूसरा काम है वो आपका ये है कि इसे आगे आप इतना और इतना ये दोनों करें, आप इन्हें फिलहाल बना लें ग्रुप, और ग्रुप का करना आप ऐसे ही उठा लें। ओके ओके करने के बाद अब आपका नेक्स्ट काम है कि आप इसे यहाँ पे फिट भी करें। यहाँ पे फिट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ना है, इसके फ्रंट व्यू पोर्ट में आए और यहाँ से इसे स्केल करें ऐसे। ऐसे उसके बाद इसे बस यहाँ पे आपने इसे ला के देख लें, यहाँ से रोटेट करके थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देते हैं, इतना ठीक हो गया जी। यहाँ से आप ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इस साइड पे आप इसे ले आए और इसकी सेटिंग यहाँ से देख लें पूरी है। चलें जी, ये तो एक्स्ट्रा पे चीजें हैं, चीज एक्स्ट्रा बने। ये देखें जी, आपका विलेज टाइप घर आपका बना हुआ है। इसका अगर हम यहाँ पे देखते हैं रेंडरिंग करके इसे, ओके ये देख कितना प्यारा इसका लग रहा है व्यू। ठीक है जी, यह हमारा मसला हल हो गया है। अब हमने क्या काम करना है,
देख सकते हैं। ये देख, ये आपकी लोकेशन जो है पूरी सेट हो चुकी है। इस वीडियो में हम ये वाली लोकेशन जो है यही बनाई है हमने, ठीक है। इसे हम माइक लोन में यूज करेंगे और इसके अब अंदर वाली जो साइड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि ये अंदर वाली साइड किस तरीके के साथ बनती है। इसके आज की वीडियो में बस इतना ही।